क्या आप लोगों ने कभी असल फॉर्मूला कार देखी है? क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान पिछले 12 साल से खुद अपनी फॉर्मूला कार्स बना रहा है? वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके स्टूडेंट्स अब तक एक नहीं, दो नहीं, 8 फॉर्मूला कार्स बना चुके हैं? And this might be the starting point of a Ferrari in Pakistan. तो भाई बाकी सब तो आपको फॉर्मूला 1 की क्लिप्स वगैरह दिखाते होंगे, लेकिन मैं आज आपको असल फॉर्मूला कार दिखाऊंगा। आपको डायरेक्ट वर्कशॉप में लेके जाएंगे यार, जहां पे पाकिस्तान अपनी फॉर्मूला कार बना रहा है। कार्बन फाइबर की डिजाइन कर करके इस बच्चे की आवाज खत्म हो गई। ये आएगा ब्लूपर्स में। और हाँ, वीडियो के आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो ये वीडियो आखिर तक देखिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो भाई मैं जानता हूँ आप लोग वर्कशॉप में जाने के लिए उतावले हो रहे हो, लेकिन पहले इस बात का जवाब दो, अभी फॉर्मूला बनाया आप लोगों ने। तो भाई बता दें कि इसको फॉर्मूला कार कहते क्यों हैं? क्या हुआ? देख के फट गए। तो भाई निदा यासिर का मजाक तो हम सबने मिलके उड़ाया, लेकिन इनका ये जाहिलाना सवाल इतना जाहिलाना एक्चुअली नहीं था। वर्कशॉप में जाने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि फॉर्मूला कार होती क्या है। फॉर्मूला taking the car to a new limit, like we're testing more things on a car. देखिए भाई, रेस तो आप लोग किसी भी चीज पे कर सकते हैं, बैलगाड़ी पे, गधा गाड़ी पे, घोड़ा गाड़ी पे या अपने टांगों पे, लेकिन इंजन वाली चीजों की रेस, खासतौर से गाड़ियों की रेस, मोटर स्पोर्ट की कैटेगरी में आती है। गाड़ियों की टाइप के हिसाब से रेस की भी टाइप अलग अलग होती है, जैसे NASCAR, रैली कार, इंडी कार, मौसीकार वगैरह वगैरह। तो भाई फॉर्मूला रेसिंग में वो खास बात है कि ये सिंगल सीटर होती है और ओपन व्हील होती है, यानी पहिए आपको पूरे और मुसलसल नजर आने चाहिए। फॉर्मूला कार इज बेसिकली टेस्टिंग द कार विद मच मोर थिंग्स देन दैट आर अवेलेबल इन द कमर्शियल मार्केट। एक कमर्शियल कार पे आप विंग भी लगा सकते हैं कि आप उसको ज्यादा डाउनफोर्स दें, लेकिन एक फॉर्मूला कार को आपने रेस करवानी है तो आप उस पे हर तरीके का मतलब एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सख्त किस्म के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिनमें से चीदा मैंने F1 की इंट्रो वीडियो में बताए थे, तो जाके देख लें। रूल्स एंड रेगुलेशंस के इतने टाइट होने की वजह से लेवल सबके निकलेंगे। और फॉर्मूला रेसिंग में ड्राइवर से ज्यादा इंजीनियर्स का इम्तिहान होता है। गर्ज हर किस्म की इंजीनियरिंग के लेवल को नॉलेज और क्रिएटिविटी के जरिए पार किया जाता है, क्योंकि दुनिया फास्ट है बाबा। फॉर्मूला रेसिंग के कई लेवल होते हैं, जिनमें टॉप पे फॉर्मूला 1 आता है, फिर फॉर्मूला 2, 3 और 4। फॉर्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग भी होती है। इन्हीं में से एक लेवल आता है फॉर्मूला स्टूडेंट, जिसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपनी अपनी फॉर्मूला कार्स बनाते हैं और फिर साथ में कम्पीट करते हैं। 65 प्लस टीम्स दैट आर इन द कंपटीशन ईच ईयर। में कुछ ना कुछ इनोवेटिव इस तरीके का लाना होता है। मे बी मेक अ फ्लाइंग कार, दैट्स अ पॉसिबिलिटी टू। हाँ बिल्कुल, एयरप्लेन बना दे गाड़ी को, मसला नहीं है। ये कंपटीशन सिर्फ रेस तक लिमिटेड नहीं है, इसकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और स्टूडेंट्स की इंजीनियरिंग के अलावा भी स्किल्स टेस्ट की जाती हैं। जब आप फॉर्मूला स्टूडेंट में जा रहे होते हैं, देयर नॉट जस्ट टेस्टिंग दैट हाउ गुड ऑफ एन इंजीनियर्स यू गाइस आर, बट देयर आल्सो टेस्टिंग फॉर वी कैन से हाउ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स यू गाइस हैव। गाड़ी बना रहे हो, क्या उसे बेच सकते हो? दैट्स द रियल क्वेश्चन। So that's where we come in, the business plan people. और गाड़ी चाहे किसी भी फॉर्मूला इवेंट की हो, ऐसी चलते फिरते ट्रैक पे नहीं आ सकती कि आपने बस चाबी घुमाई और निकल लिए। टेस्ट होते हैं जो एक कार को पास करने होते हैं। We have the lap simulations and then we have the brake test. एंड में हमारी कार उतरती है रेस ट्रैक पे और रेस करती है। अब आप भी यकीनन सोच रहे होंगे कि यार पाकिस्तान के सारे इंजीनियर तो पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं। नॉलेज, क्रिएटिविटी, स्किल्स, मम्मी आप क्या कह रही हैं? क्या ये सब भी पाकिस्तान में होता है? बिल्कुल होता है भाई, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। अभी जब हम जिस लेवल पे हैं, वहाँ पे फॉर्मूला कल्चर शुरू भी नहीं हुआ। इट्स जस्ट द बेस लेवल, 12 इयर्स, बट वी स्टिल एट द बेस लेवल बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर स्टूडेंट टीम। हम हर साल जो है एक छोटा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वी ट्राई टू मेक इट बिगर ईच ईयर, लेकिन ऑफ कोर्स द इम्पैक्ट लेवल इज ऑलवेज ऑन। जैसा मैंने F1 वाली वीडियो में बताया था, फॉर्मूला रेसिंग एक इंतहाई महंगा स्पोर्ट है। पाकिस्तान में इसकी फंडिंग मिलना काफी मुश्किल काम है। इसके बावजूद 2012 में मेरे अपने बैचमेट्स ने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे फॉर्मूला कार बनाना शुरू की, फॉर्मूला स्टूडेंट में रजिस्टर किया, एक साल में गाड़ी बना भी ली और इंग्लैंड पहुंच गए रेस करने के लिए। भाई इंजीनियरिंग डिग्री होती है, उसमें आखिर में आपको कुछ
ऐसा बनाना होता है कि लोगों को लगे कि हाँ हम इंजीनियर्स हैं, अब वो कुछ भी बना लो। तो उन हमारे जो सीनियर्स थे, जो हमारे अलमनाइज थे, उन्होंने सोचा चलो गाड़ी बनाते हैं। अब इट वाजंट जस्ट एनी कार, इट वाज अ फॉर्मूला 1 कार। इस पहली गाड़ी को फाइनेंशियल और लॉजिस्टिकल सपोर्ट PIA ने दी थी और नस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको फुली सपोर्ट किया। मेरा भी इसमें छोटा सा एक रोल था, मैंने मार्केटिंग में थोड़ी सी हेल्प की थी। इससे पहले जो है पाकिस्तान में अगर हम देखें, generally people might have known about Formula One, but they didn't really know के भाई ऐसी गाड़ी पाकिस्तान में भी बन सकती है। That was just a FIV project, but that started a tradition. It started a revolution into the Formula One culture in Pakistan. इस project को सबसे ज्यादा support हमारे Dean Engineering Sciences Captain Nadeem Ahmed की तरफ से मिली थी, जिन्होंने आखिर तक इस प्रोसेस को सपोर्ट किया और बच्चों को साथ में रेस के लिए लेके भी गए थे। काफी अफसोस की बात है लेकिन कि कुछ ही अरसे बाद कैप्टन नदीम कराची में टारगेट किलिंग में शहीद हो गए। और यकीनन उनके ही कंट्रीब्यूशन की वजह से न सिर्फ एक दफा गाड़ी गई बल्कि हर दूसरे साल एक बिल्कुल नई गाड़ी बनाई जाती है और रेगुलरली नस्ट फॉर्मूला स्टूडेंट टीम रेस में कम्पीट करने के लिए जाती है। Made 8 combustion vehicles. We are working on our first hybrid vehicle. That will be the first hybrid vehicle from Pakistan that will be competing in a Formula student competition. तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई भाई, मैं आपको लेके जाता हूँ वर्कशॉप में जहाँ पे इस साल की गाड़ी तकरीबन तैयार हो चुकी है। ओके भाई, सो हम लोग आ चुके हैं वर्कशॉप में और वर्कशॉप में यही सब बातें चल रही है, 10 का पाना दे, छोटे गेरारी क्लच पलेट वगैरह सब उठा ले। तो हम लोग मैकेनिक वाली वर्कशॉप में तो है नहीं, ये एक फॉर्मूला रेसिंग की वर्कशॉप है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड तहा से हम लोग बात करेंगे, माइक लगा दो, बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, ये मोटर जो है ये डायरेक्टली व्हील के ऊपर माउंट है। आसान जवान में ये बैटरी जो हमारी मोटर्स को पावर कर रही है, जिसे हम कहते हैं HSC हाइब्रिड स्टोरेज कंटेनर, स्टैक है जो हमने खुद मैन्युफैक्चर किया है। स्टैक पावर करता है, DC पावर करता है मोटर कंट्रोलर्स को, और क्योंकि हमारी मोटर्स AC है तो मोटर कंट्रोलर्स आउटपुट को कन्वर्ट करके AC में डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट में, और इससे हम अपने सारे पैरामीटर्स वगैरह भी मॉनिटर करते हैं, RPM वगैरह, टॉर्क और करंट ड्रोन और इस तरह के स्टैक हेल्थ वगैरह, ये सब हम इससे मॉनिटर करते हैं। ये BMS यूज होता है, जैसे आपने अगर स्टैक अपना चार्ज करना है, ये रिकवरी सिस्टम का भी पार्ट है, ये पावर प्रोवाइड भी कर रहा है, और जब हम इससे पावर ड्रॉ नहीं कर रहे तो ये जो मोटर की रोटेशन की वजह से जो पावर जनरेट हो रही है ये वापस स्टोर भी कर रहा है। तो ये चार्ज डिचार्ज चार्ज डिस्चार्ज साथ साथ हो रहा है। तो ये क्योंकि एक हब मोटर है, जैसे हमारा व्हील है, व्हील के पीछे एक डिस्क के साथ हब लगा होता है, ये डायरेक्टली हब पे जाके माउंट हो जाती है, इसमें कोई गियर्स वगैरह नहीं लगे होते, व्हील की रोटेशन के साथ इसका डायरेक्ट रोटेटर रोटेट होता है। बट मोटर और इंजन साथ साथ हाइब्रिड शक्ल में काम करते हैं, राइट? तो व्हेन डस दिस किक इन और व्हेन इज द इंजन पीक? हमारा जो डिजाइन है उसके मुताबिक ये हम यूज कर रहे हैं एक्सेलरेशन के लिए, इनिशियल बूस्ट के लिए। आप अच्छा, और ये होगी ड्राइवर ऑन, मतलब ड्राइवर की डिमांड पे हम स्टीयरिंग के अंदर एक बटन दे रहे हैं जिससे ये पूरा सिस्टम एक्चुएट होता है, और ये जब एक्चुएट होता है तो ये आपका फ्रंट व्हील को भी पावर करता है, इसकी वजह से आपकी गाड़ी की एक्सीलरेशन आपको मुझे एक झटका फील होता है, वो भी लॉन्च होगी, लॉन्च हो। चले, थैंक यू सो मच। अब अपन लोग आ गए मैकेनिक का जो असल काम होता है ना यार, आपको नजर आ रहा होगा ये जो सारा गंद बना पड़ा हुआ है, मैकेनिक का काम गंदा ही होता है, हाथ से काम करने वाला होता है, और हाथ से काम करने के लिए आप वहाँ पे देख भी सकते हैं कि देयर इज अ गाय हु इज वर्किंग विद कार्बन फाइबर। तो ये बहुत सारी चीजें जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है पीयूष कुमार, और पीयूष कुमार हमें गाड़ी के एरोडायनामिक्स के बारे में बताएंगे। गाड़ी की सारी कॉन्फिगरेशन जो होती है ना वो सारे एरोडायनामिक्स पे डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से आपको फ्लो को पास कराना होता है, किस तरीके से आप एयर से जितना फायदा उठा सकते हैं वो मुफ्त ही बढ़ रही है। तो सबसे बेस्ट चीज होती है ना वो आपके होते हैं प्रोफाइल बनाना, एक ऐसी प्रोफाइल हो जहाँ से आपकी बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो सके। आगे दिखा देते हैं थोड़ा सा, ये जाहिर है मैकेनिकल इंजीनियर है तो ये ज्यादा टेक्निकल टर्म्स से बात कर रहे हैं। बाउंड्री लेयर सेपरेशन जो है वो सिर्फ यही है, जब हवा सामने आ रही है ना तो ये दो हिस्सों में डिवाइड होगी, तो ऊपर ज्यादा चाहिए नीचे ज्यादा चाहिए, ये वो वाली बात कर रहे हैं। आगे आप बताएंगे, अगर आप गाड़ी में लगा रहे हैं एरोडायनामिक डिवाइसेज तो आपको ये चाहिए कि ऊपर वाले पोर्शन पे मैक्सिमम एयर होनी चाहिए ताकि आपका डाउनफोर्स क्रिएट हो, और जब ट्रैक्शन हो रही हो ना गाड़ी की तो गाड़ी मैक्सिमम जो है कॉन्टैक्ट लेवल सरफेस के साथ सही। ये इफेक्ट तब देखा जाता है जब आप किसी शार्प टर्न के ऊपर जा रहे होते हो, तो शार्प टर्न के ऊपर क्या होता है कि आपके रोलिंग और पिचिंग मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है, मूवमेंट ये अलॉन्ग गाड़ी के एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट होती है ना, तो उस मूवमेंट को कैटर करने के लिए आप एरोडायनामिक डिवाइसेज लगाते हो, जिसका काम ये होता है कि गाड़ी को जमीन के साथ ही चिपका दे। अच्छा, और ऐसा भी है ना कि अगर ये यही विंग मिसाल के तौर पर जो चीज आप गाड़ी के लिए कह रहे हैं अगर इसी का उल्टा किया जाए तो जहाज बन जाएगी गाड़ी, वो लिफ्ट क्रिएट कर देगी, और वो गाड़ी फॉर्मूला गाड़ी में आपको डाउन फोर्स चाहिए और जहाज में आपको लिफ्ट चाहिए होती है, एंड दिस विंग इज गोइंग टू इंश्योर कि जब आप तेजी से आप हवा के बीच में जा रहे हैं ऊपर फोर्स चाहिए नीचे फोर्स चाहिए, परफेक्ट। ये मटेरियल वगैरह जरा लोगों को दिखाएं, आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कार्बन फाइबर कोई चीज होती है, तो पीयूष हमें दिखाएंगे कार्बन, अगर मेरा माइक
सलामत रहे, पीयूष मेरे माइक को तबाह ना कर दे। बेसिकली यूज करते हैं कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर के लेयर्स यूज करते हैं, उसको रेजिन की वजह से एक दूसरे के साथ चिपकाते हैं सही, और जो हमारा बोल्ट बना होता है ना उसके ऊपर लेअप कर देते हैं। जो स्ट्रॉन्ग मटेरियल होता है वो बेसिकली हैवी हो जाता है ना। हाँ, इसमें दो बेस्ट प्रॉपर्टी, एक इसकी स्टिफनेस बेहतरीन और इसका वेट सबसे कम होता है, और ये आप यूज कर सकते हैं। बेसिकली कार्बन फाइबर वीव्स, ये वीव्स जो है ना इसमें आपको ये जो नजर आ रहा है ना क्या कहलाता है, स्ट्रिंग कहलाता है, क्या कहलाता है, फाइबर ही कहलाता है, थ्रेड कहते हैं, फाइबर कहते हैं। बेसिकली ये जो फाइबर है ना, दिस इज व्हाट अ कार्बन फाइबर बेसिकली इज। अब ये फाइबर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगे और कुछ इस डायरेक्शन में लगे, तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि मतलब आपके पास इस तरीके से फोर्स लग रही है या उस तरीके से फोर्स लग रही है, दिस मटेरियल इज गोइंग टू होल्ड। यस, खराब तो नहीं करती है, नुकसान करती है, फार्मूला 1 मिलियन हो गया। अच्छा, और क्या 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 चीजें मैकेनिकल, और मैकेनिकल इसकी लॉकिंग होती है। हम ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, यहाँ पे बेसिकली होल्स बने हुए हैं, 4-5 होल्स आपको नजर आ रहे होंगे। इसका काम ये है कि हम लोग ना एक्टिव एरो पैकेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्टिव एरो पैकेज ये होता है कि आपकी मर्जी चाहे ना, आपने इसको एज अ सर्टन एंगल ऑफ अटैक पे आपकी मर्जी होगी तो आप यूज कर सकते हैं। जब आप एक्सीलरेशन इवेंट में जाते हैं ना तो आपको लो ड्रैग चाहिए होता है, तो इसको जितनी मिनिमम एंगल ऑफ अटैक पे रखेंगे ना उतना आपका लो ड्रैग होगा, लो ड्रैग कम होगा, बिल्कुल सही है, जो आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देगा। एक ड्रैग की जो बात होती है बेसिकली एयर रेजिस्टेंस जो आपको मिल रही है, कभी आप इसके अगेंस्ट काम कर रहे होते हैं, कभी ये आपके साथ काम कर रही होती है, दैट इज बेसिकली व्हाट दिस एंगल इज गोइंग टू, एंगल ऑफ अटैक, एंगल ऑफ अटैक विंग का बेसिकली ये बताएगा। इसका क्या रोल होता है, आपने अभी देखा हुआ ना चेसी, चेसी आपकी क्या होती है, आपके रॉड्स लगे हुए होते हैं ना, रॉड तो नहीं होती यार, कैसे मैकेनिक है, रॉड है, रॉड है यार, लैंग्वेज जो ना चेंज हो गई भाई, यही जिंदगी है मैकेनिक की, जिंदगी तो उसके अंदर एयर का फ्लो सेपरेशन होना लाजमी लाजमी, अगर आप उसको ओपनली छोड़ देंगे। इसका काम बेसिकली ये है कि आपकी डायरेक्ट एयर आ रही होती है ना उसको डिवाइड नहीं करता, ये उसको गाड़ी के साथ ही स्मूथनेस रख के उसी गाड़ी के साथ जाके आपकी गाड़ी का वेग बना देता है। मैकेनिक की दुकान पे तो आपने देखा होगा सिर्फ लौंडा पार्टी होती है, ऐसा नहीं है, खवातीन भी यहाँ पे शामिल है, आप देख सकते हैं। जहरा हमारे साथ है लेकिन हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हुआ ये है कि कार्बन फाइबर की खुदाई कर करके इस बच्ची की आवाज खत्म हो गई है, कुछ बोल नहीं पाए, ये बेचारी देखें बस खामोशी से सी जा रही। अच्छा जी, अभी हम लोग यही सब जब कॉमेडी कर रहे थे तो एक साहब हमें नजर आए जो ये इतना बड़ा आइटम उठा के लेके जा रहे थे। ये आइटम हो सकता है आपके लिए थोड़ा बहुत फेमिलियर हो, बिकॉज ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड कहलाता है, और हमारे साथ मौजूद है मुबशर, मुबशर है, तो मुबशर हमें थोड़ा सा बताएंगे कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड करता क्या है, और ये जो खड़खड़ा रही है चीजें ये क्या है, और इसके साथ क्या करने जा रहे थे बताओ। अच्छा, तो ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड बेसिकली हर गाड़ी के अंदर होता है जो कंबशन कार होती है उनके अंदर। इसका काम ये होता है कि इंजन से एग्जॉस्ट गैसेस को जो कंबशन के बाद कलेक्ट करना और उसको टेल पाइप के थ्रू बाहर निकालना। एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पे जाती हैं तो वेव्स क्रिएट होती हैं, स्टैंडिंग वेव्स जो वापस आती हैं, तो एक इफेक्ट क्रिएट होता है स्कैवेंजिंग इफेक्ट, उससे आपका टॉर्क इंक्रीज होता है। अब उस वो जो डिपेंड करता है उनकी लेंथ पे करता है। अब आप देख रहे होंगे इन चारों की लेंथ जो है ना वो इक्वल है, अलग अलग बैंड अलग अलग है लेकिन लेंथ इक्वल है। उस लेंथ इक्वल होने से क्या होगा कि हर मतलब हर सिलेंडर में एक ही टाइम पे स्केवेंजिंग इफेक्ट होगा, तो वो हमने आरपीएम सेट किया है 8000 आरपीएम, यानी जिस पे हम चाहते हैं हमें पीक टॉर्क मिले। उसके बाद ये जो ये बिगर पाइप होता है ये जाता है मफलर के, यहाँ पे मफलर लगता है। मफलर का रीजन ये होता है कि वो साउंड को कम करता है। अब हमारा जो कॉम्पिटिशन है उसका साउंड लेवल है 110 डेसिबल, तो उस तक हमें लिमिट करना होता है। मुझे तो लगता है फॉर्मूला कार गाड़ी बहुत शोर मचा, शोर मचा दे, जो नॉर्मल फॉर्मूला 1 कार होती है उसमें एग्जॉस्ट मफलर नहीं होता। अच्छा, ओके, सही है। हमारे एफएस का रूल है कि 110 डेसिबल से ज्यादा की साउंड नहीं आनी चाहिए गाड़ी से। ओके, उसके लिए हम एक मफलर इंस्टॉल करते हैं, उस मफलर के अंदर कुछ एब्जॉर्प्टिव रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से साउंड होती है वो कम हो जाती है। ये जो जगह है यहाँ पे एक सेंसर लगता है, लैम्डा सेंसर। लैम्डा सेंसर बेसिकली सेंस करता है कितना फ्यूल जो बर्न हुआ था कितना फ्यूल अनबर्न तक पहुंच गया। हमारा जो कंट्रोलर है वो देखते इस सेंसर का डेटा लेता है, फिर अगर ज्यादा अनबर्न जा रहा होता है फ्यूल की लिमिट कर देता है, फ्यूल कम कर देता है, और अगर कम जा रहा होता है तो फिर ज्यादा कर देता है। परफेक्ट, थैंक यू। आप काम करो यार, आप खुश रहे। उसका बात ये है वहाँ पे ना विंचिंग सब चीज का काम हो रहा है। अभी आ गए टेटिस पे, ये बेटा ये लड़का जो अभी ब्रेक कलच एक्सीलरेटर वगैरह कर रहा, भाई ये बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे।
ये हमारी जो इस साल की हाइब्रिड गाड़ी है, ये वाला हमारा क्लच पैडल है, सेंटर वाला ब्रेक पैडल है और ये थ्रॉटल पैडल है। अब हम इसकी लाइनिंग जो है ब्रेक की और क्लच की राउट कर रहे हैं। लाइन डाल रहे भाई लाइन, ये क्या है, ये बोतलें क्यों लगाई, प्यास प्यास लग रही है क्या? ये जो ब्रेक में फ्लूइड होता है उसका रिजर्वायर है। आप जो ब्रेक ऑयल डालते हैं वो यहाँ पे डालते हैं, वो यहाँ से इस मास्टर सिलेंडर में आता है, जब आप ब्रेक दबाते हैं तो कंप्रेस होके पीछे आपके रोटर्स पे ब्रेक लगता है। बहरहाल खैर तमीज से बात करते हुए बताते हैं, चैसी है विच इज बेसिकली बीइंग पुट टुगेदर, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं इसके विच आर कमिंग टुगेदर। जैसे ये ब्रेक की असेंबली लगा रहे हैं, यहाँ पे लड़का इंजन खोल कर बैठा हुआ है, ये जो है ना ये टूल संभालता है। तुम क्या कर रहे हो? मैं बेसिकली चैसी डिपार्टमेंट से हूँ। ये एक स्केलेटन होता है जो होल्ड करता है पूरी गाड़ी को, और इसके बेसिकली डिफरेंट कॉम्पोनेंट है। इस चीज को हम फ्रंट हुक कहते हैं और इसको फ्रंट बल्क हेड कहते हैं और मेन हुक कहते हैं, और ये एक प्रिंसिपल पे काम करती है जिसको प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन कहते हैं। बेसिकली नोट टू नोट ट्रायंगुलेशन जो होती है जिससे हमारा एक स्ट्रेस जनरेट होता है और इम्पैक्ट जो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसे फ्रंट से क्रैश करने की वजह से ये चीजें देखी जाती है, उसके अलावा भी है क्रैश करने के लिए। बेसिकली हमारे पास एक TR होती है, टॉर्जनल रिजिडिटी। बेसिकली TR बढ़ाने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ ट्रायंगुलेशन करते हैं, और जो क्रैश वाला सिस्टम है वो आगे है। ये जो प्लेट लगी हुई है इसको इम्पैक्ट ऑर्डिनेटर कहते हैं। ये बेसिकली हमारा जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारी एनर्जी को जब भी हमारी खुदा ना खास्ता कोई क्रैश है। ये एंटी इंट्रूजन प्लेट है, इसके आगे एक कोन लगता है, वो हमारा इम्पैक्ट डायमीटर है। जो आपका गाड़ी का बम्पर होता है वो भी यही काम करता है। आपस में लड़ लो आप लोग यार, कोई कुछ कह रहे नहीं 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 पूरी बेसिकली यार देखें बहुत कॉम्प्लेक्स एक चीज होती है। ये कहने को तो बहुत आसान सी चीज़ें आपको नजर आ रही होंगी कि भाई मतलब सिंपली इम्पैक्ट एब्जॉर्ब करने वाली चीज नहीं है, इम्पैक्ट को पूरा डिस्ट्रीब्यूट भी आगे करना होता है। रेड का भी वही काम होता है, सही कह रहा है, रेड का भी एक ही काम करता है, मतलब उसी को। तो फिर तुम बीच में क्यों बोलो, एक और चीज तो इसमें अच्छी वाली चीजें हमें नहीं पता लगी, हम इनकी डिजाइन फाइलें चुरा लेंगे, आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, कैरी ऑन। हां भाई स्टार्ट बैठा हुआ है यहां पे, इंजन का आदमी है, ये बताएगा क्या चल रहा है भाई। एक तो ये मुझे ये पता लग गया, चीटिंग मैंने पहले से की हुई है कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हमने पकड़ लिया था, तो हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ कहीं एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगेगा। दिखाओ भाई, इधर हमारा बेसिकली एग्जॉस्ट लगता है, ये फिटिंग की प्लेट है, ये इसको वेल्ड करूंगा। सही है, उसके बाद जो यहाँ पे हमारा एग्जॉस्ट प्रॉपर्ली फिट हो जाएगा। इंजन में आग लगने के लिए हवा, फ्यूल और स्पार्क तीनों की जरूरत होती है। तो हवा ये देता है, फ्यूल हम डालते हैं इंजन में, और स्पार्क इधर आगे दूसरे सारे इंजन के जो कंपोनेंट्स हैं इन सब की पूरी पूरी साइंस होती है। इंजन कौन सा वाला लगा हुआ इसमें? CBR 600 का, बेसिकली CBR 600 कह रहे हैं, तो 600 CC का इंजन लगा हुआ है जो कि अच्छा खासा पावरफुल इंजन होता है। एंड उसके अलावा काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम्स हैं आपके, थर्मल एनर्जी रिकवरी सिस्टम्स हैं या काइनेटिक ही हैं? काइनेटिक एनर्जी रिकवरी सिस्टम्स हैं। मेन पावर जो आती है वो सारी इंजन से आती है, और बाकी जो ये हाइब्रिड सिस्टम और मोटर्स वगैरह आपको सारी दिखाई है उससे फिर और पावर इसमें ऐड होती रहती है, एंड दैट एड्स टू द स्पीड। स्पीड वगैरह की कोई लिमिटेशंस हैं इवेंट में जिसकी वजह से इंजन की चॉइस पे असर पड़ती है? लिमिटेशन नहीं है, सीसी की लिमिटेशन है 700 से 800 CC कंपटीशन में अलाउड है। अच्छा, तो उसके हिसाब से 600 सबसे सही रहता है हमारे लिए। एक तो इसको हमने बहुत अच्छे काम किया हुआ है, तो बहुत एक्सपीरियंस है इंजन पे। उसके अलावा डायरेक्ट 700 CC इंजन थोड़े मुश्किल से मिलते हैं, 600 में ज्यादा 650 CC में आते हैं। अच्छा, इस वजह से 600 तो होंडे बहुत रिलायबल है, वो तो आप लोग तो रेडबुल से पन्ना लोगे ना डायरेक्ट, तो होंडा तो चाहिए उसके लिए। बड़े ख्वाब है यार, बड़े ख्वाब है। गुड यार, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस।
चलो भाई, इस पूरी टीम में सबसे ज्यादा सेफ्टी कॉन्शियस पर्सन हमें मिल चुकी है, जिनका नाम है खदीजा, और ये अभी बैठी हुई जरा घिसाई का काम कर रही थी। आप देख सकते हैं कैसे सेफ्टी गॉगल मौजूद है, इंडस्ट्री ग्रेड मास्क लगाए हैं, तो जिस तरह वो दूसरी बच्ची बेचारी अपनी आवाज सुन गई, वो मसला इनके साथ नहीं होगा, इनके साथ हम लोग बात कर सकते हैं। कैन यू प्लीज जस्ट वॉक अस थ्रू किस चीज पे आप काम कर रही हैं? अभी तो मैं बैक फेसिंग पे काम कर रही हूँ हमारे स्टीयरिंग का, तो उस पर अभी कार्बन फाइबर का लेयर हुआ है, तो क्योंकि वो थोड़ा अनइवन है तो मैं अभी उसी की घिसाई कर रही थी, सो दैट इट्स स्मूथ व्हेन वी फाइनली असेंबल इट टुगेदर। दिस इज द फ्रंट केसिंग, फिलहाल इस पर अभी कोई काम की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट फॉर द बटन जो हमारा यहाँ लगेगा टू एक्टिवेट आवर हब मोटर्स। नॉर्मली जिस तरह F1 का कंट्रोलर वगैरह हम देखते हैं तो उसको तो बटन ही बटन है जी, यहाँ पे मतलब लाइक हाउ मेनी कंट्रोल्स डू यू हैव एंड मतलब क्या थोड़ा जस्ट सो दिस वे वी हैव अ न्यू कंट्रोल सेटअप हियर, क्योंकि हमारे पास कोई बटन की बात आ जाएगी तो दिस इज न्यू बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हैविंग हब मोटर्स, सो वी विल बी एबल टू कंट्रोल हाउ मच ट्रैक्शन वी वांट व्हेन वी आर कॉर्नरिंग स्पेसिफिकली। तो फिलहाल हमारे पास यही बटन है व्हिच इज गोइंग टू गिव अस एन एज होपफुली ओवर द अदर्स। तो दिस अच्छा ये सब गाड़ियों में नहीं है, मतलब दिस इज जस्ट एन एडिशन इन आवर कार। या बिकॉज इट्स आवर हाइब्रिड कार, दिस मे नॉट बी द सेम इन फॉर एग्जाम्पल एन इंटायरली इलेक्ट्रिक कार, और ये हमारी जो पिछली गाड़ी थी उसमें भी ये बटन नहीं था। चलो जबरदस्त, आप घिसाई करें एंड बेस्ट ऑफ लक एंड गुड जॉब यूजिंग द पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। तो दैट्स इट फ्रॉम द घिसाई एरिया। चले भाई, थोड़ी देर में हम लोग पसीना पसीना हो चुके हैं और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं नस्ट फॉर्मूला स्टूडेंट टीम के गैराज में, और हमारे साथ दरियाब मौजूद हैं जो थोड़े से इवेंट के बारे में बताएंगे, काम कैसा चल रहा है ये सब बताएंगे, आगे क्या प्लान हैं, क्यों कर रहे हैं ये सब, क्या जरूरत है इतनी मेहनत करने की। 17 जुलाई में एक ऑपरेशन होगा तो गाड़ी फाइनल स्टेजेस में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एंड के टाइम पर आके कुछ करना होता है कि बस वो जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं जो लास्ट मिनट चीज़ें हैं सारों को कंप्लीट करके उसका डॉक्यूमेंटेशन की तरफ पे आए, तो अभी ये चल रहा है। ओके सो मुझे ये बताएं कि ये गाड़ी जो है ये पूरी इंडिजिनसली मेड है, मतलब ये सारी चीज़ें आपने अपने अपने गुनाकार हाथों से बनाई। इसमें बस कुछ चीज़ें छोड़ के जैसे इंजन हो गया आपका, सस्पेंशन के डैम्पर्स हो गए, तकरीबन 90% 95% गाड़ी हम खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद ही उसको मैन्युफैक्चर करवाते हैं, तो जिसका फाइनल प्रोडक्ट होता है वो तकरीबन आप कह सकते हैं जैसे मेड इन पाकिस्तान 100% स्टूडेंट्स से बनाए थे। तो आई थिंक दैट इन इटसेल्फ इज क्वाइट अ बिग अचीवमेंट, और काफ़ी सालों से ये 2012 के टाइम से इससे पहले ही गाड़ी बनी थी, हम तो इतने सकते हो सब, तो इट स्टार्ट ऑफ एज फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, अगर आप जाके फुल फ्लेज फॉर्मूला टीम बन चुकी है राइट, ये बताएं व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, मतलब आगे क्या बड़ा सोचना है इसके बारे में। हमारी टीम ने काफ़ी बड़ा एक इम्पैक्ट आई थिंक क्रिएट किया है पाकिस्तान में, बिकॉज एक पाकिस्तान की पहली फॉर्मूला स्टूडेंट टीम थी, इंजीनियरिंग का पैशन इंस्पायर किया पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के अंदर, तो उसके अलावा हम अब तो हमने डोमेन को और मजीद एक्सपैंड करा, हमारी टीम ने F1 इन स्कूल्स नाम का एक कॉम्पिटिशन होता है तो उसके अंदर भी हम अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज तो आ जाती है बट उसकी एप्लीकेशन, उसकी जो लिमिटेशंस हैं मैनुफैक्चरिंग वाइज, वो चीज़ें नहीं सीख पाता बंदा यूनिवर्सिटी में, तो ये टीम एक बहुत बड़ा फायदा है ये टीम का कि हम शुरू से ये चीज़ सिखा देते हैं। हमारे इंजीनियर्स जो है वो नौकरी के लिए बनाए जाते हैं, बट यहाँ पे नस की खास बात ये है देयर आर प्लेंटी मोर टेक्निकल टीम्स और टेक्निकल कॉम्पिटिशंस वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ पर होती रहती हैं, मेरी जी में बहुत सारी चीज़ें मैंने भी स्टार्ट कराई हैं, बट देयर इज अ मच 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 लार्जर थिंग दैट इज हैपनिंग ओवर हियर, ऑल द क्रेडिट बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर टीम, कि ये लोग F1 के कल्चर पर्टिकुलरली एक डेवलप करना चाह रहे हैं इस टीम में। So can you talk about what an F1 culture looks like? So are we focusing on the race aspect of it or the engineering aspect of it? F1 culture ki jab hum baat karte hain, what is that? F1 is उसमें रेसिंग एस्पेक्ट तो है अपनी जगह, बट उसका जो मेन पार्ट होता है दैट इज़ द टेक्निकल एस्पेक्ट, जो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट है उसका, बिकॉज इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन, इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कार, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट, तो परफॉर्मेंस खुद आ जाती है। पाकिस्तान में बहुत सारे रेसिंग एंथूजिस्ट हैं, कार्टिंग की भी काफ़ी जगहें हैं इन लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में भी ऑपनी ट्रैक है, उनके साथ भी हमने कलेबरेशन की थी, बीच में हम अपनी गाड़ी लेके गए थे लास्ट ईयर की, उधर हमने लैपटॉप सेट करे थे, तो
रेसिंग कल्चर के हवाले से फॉर्मूला स्टूडेंट अगर देखा जाए तो ज्यादातर टेक्निकल एस्पेक्ट आ जाता है, बिकॉज उसमें इंजीनियरिंग का एक्चुअल चैलेंज होता है, आपके पास जो लिमिटेशन है, आपके पास जो रूल है, उसके अंदर गाड़ी डिजाइन करना वो बहुत चैलेंजिंग चीज है। लेकिन हमारी एक वाहि टीम है पाकिस्तान की अभी तक जिसने वो चीज अचीव करी है। अभी तक कितने मतलब कॉम्पिटिशन वगैरह में आप लोगों को कोई अवार्ड रिकग्निशन वगैरह ये सब मिली है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जैसे मोस्ट रिसेंटली तो हमने जो सबसे नोटेबल अचीवमेंट है टीम की वो ये है कि लास्ट ईयर हम जब 2023 में गए थे कॉम्पिटिशन में, हमारी वहाँ LTS में फर्स्ट प्लेस आई थी, हमारे डिजाइन इवेंट में 6th प्लेस आई थी, कॉस्ट में 5th आई थी, और ओवरऑल हमने कॉन्सेप्ट क्लास में हमने 5th प्लेस स्कोर की थी। हमने इंडिया की टीम्स को बीट किया था, हमने वहाँ पे ऑक्सफर्ड ग्रुप्स को बीट किया था, IIT बॉम्बे को बीट किया था, तो बहुत बड़े बड़े नामों का हमने बीट किया था उसमें। और इससे थोड़ा बहुत यानी कि प्रूव होता है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स में क्या कैपेबिलिटीज हैं, जो कि हम अनटैप छोड़े एक तरह से। कंपटीशन में तकरीबन 60-100 टीम्स होती हैं। तो 60-100 टीम्स जो बेसिकली यू गाइस आर स्टिल अमंग द टॉप 10 टीम्स इन सेवरल कैटेगरी। चलिए चलिए, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, जबरदस्त किस्म का काम हो रहा है। और तो भाई ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग में सिर्फ मुंह उठा के लोग चले जाते हैं, टॉप 10 टीम्स आ रहे हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। मेहनत है बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे लोगों की काबिलियत है, जहनीत है, जहानत है, जिसका इम्तिहान होता है। एंड आवर स्टूडेंट्स डू प्रीटी वेल, यू गाइस हैव बीन डूइंग अ रियली गुड जॉब, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। तो भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कि ये गाड़ी जब बनेगी तो फाइनल क्या शक्ल इसकी निकलती है। और अब आखिर में आपको वो जबरदस्त न्यूज देता हूं जो कि पाकिस्तान की साइंटिफिक और इंजीनियरिंग हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा कदम है। देखिए भाई, हर मुल्क में इंजीनियरिंग का एक कल्चर होता है, साइंस का एक कल्चर होता है, जिसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बात की थी, आप वो वीडियो भी देख लें। ये कल्चर सेटअप करने के लिए इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को खुद एफर्ट करना पड़ती है, और गवर्नमेंट सपोर्ट अगर मिल जाए तो क्या ही बात है, लेकिन आप अपने काम के लिए दूसरों का तो वेट नहीं कर सकते ना। तो इसी वजह से नस्ट फॉर्मूला स्टूडेंट टीम NFST दूसरे पार्टनर्स के साथ कोलैबोरेट करके फॉर्मूला कल्चर इस मुल्क में सेटअप करने जा रही है। इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अगले हफ्ते गाड़ी की अनवेलिंग सेरेमनी के साथ होगा। भिन फिजिक के व्यूअर्स की हैसियत से ये खबर आप तक ना सिर्फ पहले पहुंचेगी बल्कि एक्सक्लूसिव स्नीक पीक भी आपको देंगे, बिहाइंड द सीन्स भी आपको दिखाएंगे, फाइनल गाड़ी क्या बनती है, आगे के क्या प्लान्स हैं, पाकिस्तान में फॉर्मूला कल्चर कैसे सेटअप हो रहा है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो इसी टाइप के एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए भिन फिजिक को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए, जितने लोगों को बता सकते हो बता दो यार, ताकि ये अंडररेटेड की छाप मेरे ऊपर से हटे। और हाँ, कुछ भी सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखिए, अपन उस पर वीडियो बनाएंगे, आपको सब कुछ सिखाएंगे यार, मैं चाहता हूं आप लोग सब कुछ सीख जाओ। तो मुझे पेट्रियन पे भी सपोर्ट करें, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप वीडियो शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।